हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका कहते हैं जिसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं होता क्या वह निर्दोष नहीं होता अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए गवाह या सबूत पेश करने होते हैं और जिसके पास ये नहीं होता तो उसका क्या होगा देखिए इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा केस आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें एक कैंडिडेट जो है वो भर्ती होने के लिए मेहनत कर रहे हैं सात साल की उनकी जो तपस्या है उसको किस तरीके से एक साजिश के तह, तहत जिसको कहते हैं ना कि पल में जिसको धराशाई कर दिया जाता है कई बार ऐसा होता है कि जैसे ट्रेड्समैन वगैरह की जो भर्तियां है, होती हैं या जीडी की भी भर्ती है उसमें कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि मेरिट कभी भी आ जाएगा लेकिन मैं मेडिकल फिट हो गया हूं तो इसका मतलब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि जहां दस कैंडिडेट लेना है वहां पर मेरा नाम जो है वो पाँचवें नंबर पर है या कैंडिडेट ही एक्चुअली लेना दस है लेकिन आठ ही उपस्थित हुए तो हैं ये भी सिचुएशन हो जाती है तो ये हम जो आपको मैटर दिखा रहे हैं ये बी एस एफ ट्रेड्समैन की भर्ती का मैटर है यहाँ पर क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो मेहनत करता है ट्रेड टेस्ट फिज़िकल ये सब हो गया उसका रिटर्न बहुत अच्छा हो गया रिटर्न के बाद में मेडिकल जो है वो भी हो जाता है और मेडिकल हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोगों को ये बात जिसको कहते हैं ना कि जमती नहीं है वो उसको पचा नहीं पाते हैं कि अब इसको वर्दी मिल जाएगी तो भर्ती हो जाएगा तो इसको कैसे रोका जाए अब जैसा उन कैंडिडेट ने हमें बताया और जिसको कहते हैं कि ये जब हादसा हुआ है तो वो एक तरह से टूट से गए वो कि अब मैं क्या करूं कहां जाऊं कैसे जाऊं घर में कोई सपोर्ट नहीं है किसी प्रकार का कोई फैमिली में फ़ौजी बैकग्राउंड नहीं है ना कोई रिश्तेदारी में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो फौज में हो और इस मैटर को सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर सकें क्या होता है वो आपको दिखाते हैं देखिए यहाँ पर और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको आगाह करने के लिए आपको इस तरह के वीडियोस हम लेकर आते हैं कि यदि इस प्रकार के कोई मैटर हों तो आप उनको छुपा नहीं सकते आपको उनको डिस्क्लोज करना होगा आपको बताना होगा नॉमिनेशन फॉर्म होता है आपका एटेस्टेशन फॉर्म होता है उन सब में आपको डिटेल देना होगा यहाँ तक कि आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा चल रहा है या आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो ये सब आप जब फॉर्म फिल करते हैं उस समय भी आपको जानकारी देनी होती है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए सारा कुछ हो चुका होता है आप अपना फ़ाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और उस समय आपको किसी मुकदमे में फंसा दिया जाता है और वो भी एक साजिश के तहत कि आपको जिसको कहते हैं कि इसको कहीं वर्दी ना मिल जाए तो ये जो कैंडिडेट हैं हमारे ये एक्चुअली इनका रोल नंबर नाम ये सब देखिए हमने हाइड किया है इनकी पहचान वे अगर नहीं करना चाहते हम कहाँ से लेटर इशू होता है ये लेटर पंजीकृत डाक है ये पंद्रह अक्टूबर दो हजार बीस को ये लेटर इशू हुआ है कहाँ से हुआ है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय महानिदेशालय मुख्यालय महानिरीक्षक मुख्यालय बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली बीएसएफ नई दिल्ली से लेटर इशू हुआ है ये लेटर किसको है प्रेषित ये कैंडिडेट रोल नंबर आप देख रहे हैं सीमा सुरक्षा बल में आरक्षक ट्रेड्समैन 2019 की भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के कारण इनको मेरिट में इंक्लूड नहीं किया गया तो इन्होंने उसके लिए कारण जानना चाहा और वो कारण जो था उसके लिए इनको क्या कारण बताया गया वो देखिए आपको बताते हैं आपके पत्र दिनांक शून्य जो कि महानिरीक्षक मुख्यालय बल मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल को प्रेषित है के संदर्भ में संदर्भित पत्र के संदर्भ संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध थाना जनपद उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं में एफ संख्या एक दिनांक बाईस अक्टूबर दो को धारा चार सौ तीन सौ चौवन बी पाँच सौ छः आई पी सी तेरह एंड चौदह पॉक्सो एक्ट सड़सठ बी के तहत दर्ज हुई थी और इससे संबंधित दस्तावेज़ सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आरक्षक ट्रेड्समैन भर्ती 2019 दिल्ली राज्य की भर्ती प्रक्रिया के दौरान विभाग के संज्ञान में आ गए यानी कि अक्टूबर 2019 में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही जो भी कोर्ट की प्रोसेस चल रही है वो भी बीएसएफ को प्रोवाइड करवा दी जाती है कि ये कैंडिडेट जो है ये आपके यहाँ पर भर्ती देख रहा है और इनका ये सब मैटर चल रहा है ऐसा एक सेम मैटर हमने आपको दिखाया था एसएससी कांस्टेबल, जीडी के कैंडिडेट बिहार के कैंडिडेट जो हैं उनको इस तरीके से फाइनल रिजल्ट आने के बाद उनको फंसाया गया उनका ज्वाइनिंग आ गया था ज्वाइनिंग आने के बाद वो उनको एक महीने बाद उनको वापस उनको आउट कर दिया गया डिसमिस कर दिया गया नियमान अनुसार उक्त केस की संबंधित थाने से गहनता से जांच की गई तथा यह पाया गया कि पुलिस जांच में आपके विरुद्ध दिनांक 13 जनवरी 2020 को माननीय न्यायालय में अंतिम परीक्षण रिपोर्ट चार्जशीट प्रेषित की जा चुकी है जिसमें आप दिनांक 12 दिसंबर 2019 को माननीय न्यायालय में हाजिर होकर जेल चले गए थे और आपका प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है ट्रायल कोर्ट में इनका मैटर जो है वो अभी चल रहा है इसलिए बी एस एफ ने क्या किया कि इनको एक्चुअली सब कुछ हो गया था इनका मेडिकल हो गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ये इंक्लूड हो जाते क्योंकि इनके मार्क्स जैसा कि ये बताते हैं बहुत अच्छे थे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उक्त पद के लिए जारी विज्ञापन के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता में कोई भी कमी होने पर उसकी अभ्यर्थता को की पात्रता को रद्द करने का अधिकार है नियमानुसार आपकी पात्रता को रद्द कर दिया गया है आपके सूचना प्रेषित है एक युवा जो साढ़े सत्रह की उम्र से भर्ती होने का सपना देखता है साढ़े चौबीस की उम्र में उसके साथ ये हादसा हो जाता है आप खुद समझ सकते हैं कि मैरिट कितना नज़दीक पहुंच गया वहां पहुंचने के बाद उसको पटका जाता है या ज्वाइन कर लिया था ज्वाइन करने के एक महीने बाद या ज्वाइन कर लिया था ज्वाइन करने के एक साल बाद तो ये इसकी वजह क्या है मैं बता दूँ आपको कि आपके खिलाफ़ यदि कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ़ लंबित है आपके खिलाफ़ एफआईआर हुई है आप अरेस्ट हुए हैं तो इन सब की जानकारी आपको देना होगा आप संबंधित विभाग को अपने डिपार्टमेंट को वो जानकारी नहीं देंगे और उसकी जानकारी कैसे होगी वो बता देता हूँ आपको कि जब आप अटेस्टेशन फॉर्म अभी आपने फ़िल किया है सभी फोर्सेज में अटेस्टेशन फ़ॉर्म फ़िल हो गया अटेस्टेशन फॉर्म फिल कर लिया आपने अटेस्टेशन फॉर्म आपने डिपॉजिट कर दिया अब आप, आपको नहीं पता है कि उसका फोर्स हेडक्वाटर उसका क्या करेगा फोर्स उसको आपके डीएम ऑफिस के थ्रू आपके एसपी ऑफिस और वहां से पुलिस थाने में आएगा और पुलिस थाने से एक बी आपका बीट कांस्टेबल जो है वो आपके घर पर आएगा वो पेपर्स लेकर और जो दो नोमिनी जो आपके इसको कहते हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके इलाके के जो आपने उसमें नाम लिखा है उनके भी सिग्नेचर लिए जाएंगे और इस दौरान ये डिटेक्ट होता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है क्योंकि सम्... जो आपका पुलिस थाना है उसी में आएगा आप उसको कैसे छुपाएंगे आप और पुलिस थाने से यदि उस मुकदमे की डिटेल चली जाती है और वो ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनमें आप सरकारी नौकरी करने की आप पात्रता खो देते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पर आपके समझिए कि वर्दी आपकी उतर जाएगी तो यदि ऐसा कोई मैटर होता है तो आप पहले से उसको प्रिकॉशन लें उसकी सूचना दें और सूचना कैसे देनी है इसके लिए आप जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे आप एडवाइस लें उसको किस तरीके से हाइड किया जा सकता है उसको छुपाया जा सकता है नहीं छुपाया जा सकता है ये सब आप लीगल एक्सपर्ट से आप एडवाइस लेकर ये काम करें क्योंकि जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि जैसा ये हमारे जो साथी हैं इनके साथ हुआ कि इनको ये कहते हैं कि मुझे फंसाया गया और ये अब ये इन्होंने हमें बताया कि ये उसके बाद जो है माननीय न्यायालय ने इनको बाइजत बरी कर दिया इस मुकदमे में लेकिन बाइजत बरी होने से पहले जो बी एस एफ की तरफ से जो कार्रवाई है वो हो चुकी थी और इनकी वर्दी जो है वो मिलने से पहले ही चलेगी सारे अधिकार जो चले गए अब क्या कर सकते हैं तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए भी जब हमारी इनसे बात होती है तो हमने को एडवाइज़ किया है कि आप जब माननीय न्यायालय से आप बाइजत बरी हो गए हैं तो आप फिर से प्रयास आप कर सकते हैं आप इसी के लिए प्रयास कर सकते हैं कि अब उसमें बरी किस आधार पर हुए हैं वो सब जो तथ्य हैं वो सब देखे जाएंगे तो दोस्तों कहा है कि रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हर हाल में पाना है ये तो है ही वर्दी आपको मिल गई उसके बाद उसको बचाना है जो बुरी नज़र वाले हैं उनसे भी उसको बचाना है कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको रंजिश वस आपका नुकसान कर दे आपके लिए परेशानी का बहुत बड़ा सबब बन जाए उससे भी आपको बचना है जय हिंद